हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी। जेनम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी से। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी। स्टार्ट करते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन से। द नॉर्मल फ्लोरा इन्फ्लुएंस द एनाटोमी फिजियोलॉजी ससेप्टिबिलिटी टू पैथोजेंस एंड मॉर्बिडिटी ऑफ द होस्ट। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्लोरा होते हैं, बॉडी में हमारी नॉर्मल बॉडी में बहुत सारे फ्लोरा होते हैं, बहुत सारे मतलब हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी क्या कर लेती है, खुद ही रेजिस्टेंस कर लेती है। तो इसमें यही बताया गया है जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, इन्फ्लुएंस मतलब बढ़ावा देता है किसको, एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली ससेप्टिबिलिटी टू द पैथोजेंस। जो भी पैथोजेंस वगैरह होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस वगैरह होते हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी को क्या करती है, बढ़ाती है। एंड मॉर्बिडिटी ऑफ द होस्ट, और क्या करती है, जो होस्ट वगैरह होते हैं उनकी मॉर्बिडिटी को भी क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। इट इज़ द माइक्रोबियल लाइफ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल लाइफ बोलते हैं, मतलब माइक्रोब्स होते हैं उनकी एक तरह की लाइफ होती है, अक्रिंग और अडॉप्टेड फॉर लिविंग इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। ये जो माइक्रोबियल होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो कहाँ अडॉप्ट होते हैं, फॉर लिविंग इन अ स्पेसिफिक, ये कहाँ पे होते हैं, या तो अडॉप्ट हो जाते हैं या फिर अपने आप से आ जाते हैं या फिर वहाँ पे स्पेसिफिकली जो इन्वायरमेंट में होते हैं वहाँ पे रहते हैं। इन्वायरमेंट इनका कौन सा होता है स्पेसिफिक, सच एज द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में रहते हैं, वजाइनल में रहते हैं, ओरल में रहते हैं, मुंह में रहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में रहते हैं और स्किन फ्लोरा होता है। मतलब इंटेस्टाइन मतलब आंत में रहते हैं, वजाइनल मतलब वजाइना में रहते हैं, ओरल मतलब मुंह में रहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब जो मूत्र नली होती है वहाँ पर रहते हैं और स्किन में ये फ्लोरा जो है वो पाए जाते हैं। नॉर्मल फ्लोरा का मतलब सबकी बॉडी में नॉर्मली ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और ये क्या करती है, हमारी स्किन को क्या करती है, हमारे स्किन में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं जो हमारे स्किन को हानि नहीं पहुंचाती हैं, एक तरफ से क्या करती हैं, दिक्कत भी करती हैं और नहीं भी करती। तो सबसे पहले नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन, स्किन में क्या क्या करती है, स्किन प्रोवाइड्स गुड एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस माइक्रो इन्वायरमेंट। स्किन क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है माइक्रो इन्वायरमेंट का, ए डिफरेंट बैक्टीरियल फ्लोरा। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट बैक्टीरियल फ्लोरा पाए जाते हैं जिसे करेक्टराइज ईच ऑफ थ्री रीजन ऑफ स्किन। ये क्या होता है, हर थ्री रीजन्स ऑफ स्किन में पाए जाते हैं, स्किन के थ्री रीजन्स में पाए जाते हैं। सबसे पहले कहाँ पे, एक्जिला में पाए जाते हैं, पेरिनियम में पाए जाते हैं, ऑन टू वेब्स मतलब जो अंगूठा होता है पैर का वहाँ पाए जाते हैं, पेरेनियम एरिया में पाया जाता है और यहाँ अंडार्म्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है हैंड फेस एंड ट्रंक, हैंड में पाए जाते हैं, फेस में पाए जाते हैं और ट्रंक मतलब यहाँ गले के पास पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट है अपर आर्म्स एंड लेग, अपर आर्म्स में पाए जाते हैं और साथ में कहाँ पे पाए जाते हैं, लेग्स में। मतलब यहाँ पे क्या है, ये डस्ट पार्टिकल्स या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी स्किन में पाए जाते हैं, जो मेनली क्या होते हैं, अवेलेबल ही होते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद नेक्स्ट है नेल फ्लोरा में क्या होता है, द माइक्रोबायोलॉजी ऑफ अ नॉर्मल नेल इज जनरली सिमिलर टू दैट ऑफ द स्किन। जो अगर एक तरह से देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी एक इसकी नॉर्मल नेल की वो जनरली स्किन की तरह ही होती है, जैसे हमने आपको ऊपर बताया था, वहाँ पे मतलब स्किन में डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर एक्सट्रानियस मटेरियल्स में गेट ट्रैप्ड अंडर द नेल डिपेंडिंग ऑन व्हाट द नेल कॉन्टेक्ट्स। इसमें इन्होंने बताया कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर कोई दूसरे एक्स्ट्रा इनियस मटेरियल्स, मतलब यहाँ नेल में क्या होते हैं, यहाँ पे नेल में क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल्स जो भी होते हैं यहाँ नेल के अंदर डस्ट वगैरह या कुछ भी क्या होती है इसमें भर जाती है, ट्रैप्ड मतलब भर जाती है अंदर मतलब नेल के, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द नेल कॉन्टेक्ट, डिपेंड करता है कि नेल किसके कॉन्टेक्ट, वो कुछ भी हो सकता है, मिट्टी हो सकता है जिसमें जहाँ भी नेल कॉन्टेक्ट में गए वहाँ पे ये हो सकता है। इन एडिशन टू रेसिस्टेंट स्किन फ्लोरा, लेकिन क्या होता है अगर देखा जाए तो ये स्किन फ्लोरा जो होते हैं ये हमारी बॉडी जो होती है स्किन की वो क्या करती है, रेसिस्टेंट कर लेती है, हम मिट्टी को निकाल देते हैं और हमारे नेल जो होते हैं वो नॉर्मली तरीके से हो जाते हैं। दीज डस्ट पार्टिकल्स में कैरिंग फंगाई एंड बैसिलाई, जो ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं मे बी इसमें क्या होते हैं, फंगाई भी होती है और बैसिलाई भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद हमें इफेक्ट पहुंचा सकते हैं या फिर अगर हमारी बॉडी में नहीं पहुंचते तो ये नॉर्मल होते हैं। नेक्स्ट है ओरल एंड अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक फ्लोरा, ओरल मतलब मुंह में, अपर रिस्पायरेटरी में मतलब फेफड़े वगैरह में क्या फ्लोरा होता है। द ओरल फ्लोरा इज इन्वॉल्व इन डेंटल कैरीज,
ओरली फ्लोरा जो कहाँ होता है, वो कहाँ पे होता है, हमारे डेंटल मतलब हमारे दांत में होता है, जो कैरीज, कैरीज मतलब जो जम्स आते हैं, एंड प्री डोनेटल डिसीज, तो इसकी वजह से क्या होती है, प्री डोनेटल डिसीज वगैरह हो जाती है, विच अफेक्ट अबाउट 80% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा जाए तो 80% जो पॉपुलेशन है उसमें क्या होता है, डेंटल कैरीज वगैरह हो जाती है। एनारोब्स इन द ओरल फ्लोरा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ऑफ द ब्रेन, फेस एंड लंग इन्फेक्शन दैट फ्रिक्वेंट मैनिफेस्टेड बाई द अब्सेस फॉर्मेशन। एक बहुत सारे एनारोब्स वगैरह होते हैं जो ओरल फ्लोरा में होते हैं, ओरल में होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं किसके लिए, हम मुंह से क्या हो सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है, फेस में भी आ सकता है, लंग्स में भी जा सकता है, इन्फेक्शन जो है ये सारी जगहों पे जा सकता है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। दैट फ्रिक्वेंटली मैनिफेस्टेड बाय अब्सेस फॉर्मेशन, तो देखा जाए फ्रिक्वेंटली क्या होता है कि अब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है, लंग्स में अब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है। अब्सेस का मतलब होता है कि वहाँ पे क्या फ्लूड कलेक्शन हो जाता है या फिर पस का फॉर्मेशन हो जाता है, कहाँ पे, लंग्स में। द ट्रैकिया एंड फेरिंग्स कंटेन प्राइमरली दोज मटेरियल जनरा फाउंड इन द नॉर्मल ओरल कैविटी, फॉर एग्जाम्पल एल्फा एंड बीटा हिमोलिटिक स्टेप्टोकोकाई। ट्रैकिया और फेरिंग्स में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे बैक्टीरियल जनरली फाउंड होते हैं हमारे नॉर्मल ओरल कैविटी में। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से हो सकते हैं, एल्फा एंड बीटा हिमोलिटिक स्टेप्टोकोकाई वगैरह जो है वो हमारे ट्रैकिया और फेरिंग्स में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्लोरा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में मतलब कि हमारे हमारे पेट में और हमारी आंत में कौन कौन से फ्लोरा पाए जाते हैं। द स्टमक इज अ रिलेटिवली हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, स्टमक क्या है, रिलेटिवली हॉस्टाइल, इसमें क्या होता है, इधर से उधर जो भी माइक्रोब्स वगैरह होते हैं ये इधर से उधर क्या हॉस्टाइल मतलब मूव करते रहते हैं, एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है फॉर बैक्टीरिया, मतलब किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। इट कंटेन्स बैक्टीरिया सॉलोड विद द फूड एंड दोज दिस dislodged from the mouth, acidity lowers the bacterial count which is the highest after meals and lowest after digestion. ये जो mainly इसमें bacteria होते हैं वो हमारे body में कैसे जाते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं food को solid करते हैं, मतलब food को हम लोग लेते हैं अंदर, तो ये क्या करते हैं dislodged हो जाते हैं, मतलब dislodged का मतलब होता है अंदर चले जाते हैं, from the कहाँ से, mouth से, जिसकी वजह से acidity होने के chances हो जाते हैं, lowers the bacterial count, अगर जब bacterial count lower होता है तो acidity हो जाते हैं, which highest आफ्टर मील्स एंड लोवेस्ट आफ्टर डाइजेशन। जो ये एसिडिटी है, अगर बैक्टीरिया लोवर्स में चले जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मील वगैरह खा लेने से क्या हो जाता है, या फिर सही लोवेस्ट आफ्टर डाइजेशन, या फिर डाइजेशन सही तरीके से ना होने की वजह से क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी में एसिडिटी हो जाती है। सम हेली हेल्कोबैक्टर स्पीसीज कैन कोलोनाइज द स्टमक एंड आर एसोसिएटेड विद टाइप बी गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर डिसीज। सम हेलीबैक्टर स्पीसीज होते हैं जो हमारे हमारी कोलोन में जाके या फिर हमारे स्टमक में जाके कुछ टाइप्स ऑफ डिसीज पैदा कर देते हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस हो जाता है, गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है पेट में, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाता है, एंड पेप्टिक अल्सर डिसीज होते हैं, मतलब अल्सर हो जाती है, पेप्टिक अल्सर डिसीज हो जाती है हमारे स्टमक में। उसके बाद नेक्स्ट है यूरोजेनाइटल फ्लोरा भी होते हैं। द टाइप ऑफ बैक्टीरियल फ्लोरा फाउंड इन द वजाइना, इसमें क्या होता है, जो फ्लोरा होते हैं वो मेनली कहाँ फाउंड होते हैं, हमारे वजाइना में, डिपेंड ऑन द एज, लेकिन ये जो फ्लोरा होते हैं हमारी एज पे डिपेंड करते हैं। पीएच एंड हार्मोनल लेवल्स ऑफ द होस्ट लैक्टोबैक्टीलस प्रीडोमिनेट इन फीमेल इन्फेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। इन्होंने इसमें ये बताया है कि जो फ्लोरा होते हैं हमारे वजाइना में आ जाते हैं, वो जो भी वजाइना में आते हैं हमारे एज पे डिपेंड करता है, जैसे पीएच हो गया, हार्मोन्स लेवल हो गए, या फिर हार्मोन्स लेवल ऑफ द होस्ट, जो हार्मोन्स का लेवल है, लैक्टोबैक्टीलस प्रीडोमिनेट इन फीमेल, ये सारी चीज़ें होती है इन्फेंट्स में, होती कब होती है, ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, जब बेबी जो होता है, जब जो भी बच्चा होता है उसका फर्स्ट लाइफ ऑफ मंथ होता है। ग्लाइकोजन सिक्रीशन सीम्स टू केसेस फ्रॉम अबाउट 1 month ऑफ एज, मतलब जो ये ग्लाइकोजन का सिक्रीशन हो गया, ये हम लोग उन केसेस में देख सकते हैं जब जो बेबी है उस कितने मंथ का होगा, 1 month ऑफ एज होगा टू प्यूबर्टी, कब तक, 1 month से लेके हम लोग प्यूबर्टी तक ये ग्लाइकोजन का सिक्रीशन देख सकते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम डिप्थीरियोडिस एस एपिडर्मिटाइटिस स्टेप्टोकोकाई एंड ई कोलाई प्रीडोमिनेंट एट हायर पीएच एट प्यूबर्टी ग्लाइकोजन सिक्रीशन रिम्यूव्स द पीएच।
मतलब ये सारी चीज़ें जो भी हैं, डिफ्थीरियोसाइस है, एस एपिडर्मेटाइटिस है, स्ट्रेप्टोकोकाई, ई कोलाई, एट हायर पीएच हम लोग कब देख सकते हैं, प्यूबर्टी लेवल पे देख सकते हैं। और जो ग्लाइकोजन का सिक्रीशन होता है रिज्यूम्स हो जाता है पीएच के साथ, जो पीएच होता है उसके साथ साथ क्या होता है, जो ग्लाइकोजन का सिक्रीशन होता है वो रिज्यूम्स हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कंजक्टाइवल फ्लोरा। द कंजक्टाइवल फ्लोरा इज स्पेयर्स अप्रॉक्सीमेटली 17-49% ऑफ कल्चर सैंपल आर निगेटिव। अगर देखा जाए तो जो कंजक्टाइवल फ्लोरा होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 17-49% अगर हम लोग कल्चर लेते हैं, सैंपल का कल्चर करते हैं, तो वो निगेटिव आता है, क्योंकि लाइजोसोम सिक्रेटेड इन टीयर्स, क्योंकि लाइजोसोम एक एंजाइम है जो हमारे आंसुओं के द्वारा बाहर निकलता है। मे प्ले अ रोल इन द कंट्रोलिंग द बैक्टीरिया। ये जो लाइजोसोम्स है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, बाय इंटरफेरिंग विद देयर सेल वॉल फॉर्मेशन। और साथ में ये जो लाइजोसोम्स होता है ये कंट्रोल तो करता है, लेकिन जिसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो इंटरफेयर करती है सेल वॉल का फॉर्मेशन, मतलब सेल वॉल को बनाने में। व्हेन पॉजिटिव सिंपल्स शो बैक्टीरिया, कोरिनो कैलिनो बैक्टीरिया नेजराई एंड मोरोजेक्साइल आर कल्चर्ड। अगर पॉजिटिव आता है तो सैंपल्स में हम लोग देख सकते हैं ये कैलिनो बैक्टीरिया नेजार और मोरोजेक्साइल आर कल्चर्ड, ये कल्चर में सैंपल में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है होस्ट इन्फेक्शन बाई एलिमेंट्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं नॉर्मल फ्लोरा के इन्फेक्शन के, जैसे कि कैरीज प्री डोनेटल डिसीज, इसमें क्या होता है डेंटल कैरीज हो जाता है, प्री डोनल डिसीज हो जाती है, अप्सेस फॉल फॉर स्मेलिंग देता है, डिस्चार्ज होता है, इंडोकार्डाइटिस हो सकती है, हेल मार्क्स ऑफ इन्फेक्शन विच मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा इन एडिशन इम्पेयरमेंट ऑफ द होस्ट। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो इन्फेक्शन के होस्ट होते हैं, जैसे कि प्री डोनेटल डिसीज हो सकती है, अप्सेस फॉल स्मेलिंग, जो अप्सेस फॉर्मेशन हो रहा है उसमें फॉल स्मेलिंग मतलब गंदी स्मेलिंग आ सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द माइकार्डियम मतलब जो हर्ट है उसकी लेयर में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इंडोकार्डाइटिस एक लेयर है, उस इंडोकार्डाइटिस लेयर उसमें क्या हो सकता है, डाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, तो उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। आर हाल मार्क्स ऑफ, ये बहुत सारे इन्फेक्शन हैं विच मेंबर ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा, जो नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा होने के बाद भी ये हो सकते हैं, इन एडिशन इम्पेयरमेंट ऑफ द होस्ट, जो ये सारे क्या कर सकते हैं, जो होस्ट है उसको क्या कर सकते हैं, इम्पेयरमेंट कर सकते हैं, मतलब खराब कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।